नाबालिग से बलात्कार के 4 वर्ष पुराने मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास। धौलपुर की प्रमुख खबर। महिला थाना धौलपुर में 17 मई 2019 को दर्ज किए गए परिवाद के अनुसार बालिका के पिता ने बताया कि वह अपने घर के बाहर चबूतरे पर रात्रि में सोया हुआ था। उसे बेटी के रोने की आवाज आई। उसने उठकर देखा तो बेटी खून से लथपथ थी, जिसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बच्ची ने बताया कि प्रवेश उर्फ पर्रो पुत्र मानसिंह उसे टॉफी देने के बहाने अपने पास बुला लिया तथा यह गलत कार्य किया। 9 वर्ष की पीड़िता नाबालिग के पिता ने महिला थाना धौलपुर में नामजद मामला दर्ज कराया था। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट में मामला पहुंचा। पीड़ित बालिका की तरफ से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि कोर्ट में मामले की लगभग 4 वर्ष तक सुनवाई चलने के बाद गत दिवस आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 के जुर्माने से दंडित किया गया है। थाना धौलपुर पर वर्ष माह मई 2019 को दर्ज हुए 9 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए बलात्कार के मामले में आज दिनांक 6/7/2023 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन जी ने आरोपी प्रवेश ओपरे को सुनाई 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित। पूर्व प्रधान ब्रजकिशोर राजपुरोहित की चतुर्थ पुण्यतिथि पर अपना घर आश्रम में करवाया प्रभुजनों को भोजन। सरमथरा बाड़ी की प्रमुख खबर। सरमथरा निवासी एवं बसेड़ी के पूर्व प्रधान स्वर्गीय ब्रजकिशोर शर्मा राजपुरोहित की चतुर्थ पुण्यतिथि पर परिजनों के द्वारा बाड़ी स्थित अपना घर आश्रम पहुंचकर प्रभुजनों को भोजन करवाया। साथ ही इस संदर्भ में पूर्व प्रधान के पुत्र मोनू राजपुरोहित ने हमें बताया कि माता पिता अपनी संतान के लिए जीवन भर बहुत कुछ करते हैं और खुद एक पिता कड़ी मेहनत करके अपनी संतान को एक उच्च स्तर पर पहुंचने का सपना देखता है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अपने प्रियजनों की याद में कुछ करें और इसी को देखते हुए हमारे द्वारा आज स्वर्गीय पिताजी की पुण्यतिथि पर एक छोटा सा यह कार्य किया गया है। ईश्वर से पूज्य स्वर्गीय पिताजी की आत्मा की शांति की कामना की गई। साथ ही भव्य वसुंधरा न्यूज परिवार की ओर से भी विनम्र श्रद्धांजलि। इस दौरान ब्रज बिहारी राजपुरोहित, कुंज बिहारी मर्फी राजपुरोहित, दिलीप राज, मोनू राज पुरोहित, अमन सहित अन्य मौजूद रहे। सरमथरा से शिवम दीवान की रिपोर्ट। खुर्दिया गांव में संभागीय आयुक्त ने की जनसुनवाई। अतिक्रमण के कई मुद्दे आए। सरमथरा की प्रमुख खबर। उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुर्दिया पर गुरुवार को संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में आसपास के ग्रामों के लोगों ने संभागीय आयुक्त को परिवाद सौंपे। जनसुनवाई में रघुवीरपुरा गाँव के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की समस्या एवं विद्यालय के मुख्य रास्ते में अतिक्रमण की समस्या से संभागीय आयुक्त को अवगत करवाया, जिस पर संभागीय आयुक्त ने समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में रत्ने का पुरा गांव के ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त को गांव के मुख्य रास्ते में सड़क निर्माण नहीं होने के वजह से जल भराव की समस्याओं से अवगत करवाया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सड़क निर्माण की समस्या को लेकर कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है। जनसुनवाई में बुजुर्ग ग्रामीण महिला द्रौपदी देवी का वृद्धावस्था पेंशन की बढ़ोतरी नहीं होने पर ग्राम विकास अधिकारी बसंता मीणा को मौके पर बुलाकर महिला का महंगाई राहत केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवाकर राहत प्रदान करवाई। संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान करीब 50 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए 30 जुलाई तक की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारी समस्याओं का निस्तारण कर उसकी रिपोर्ट संभागीय आयुक्त कार्यालय को भेजेंगे। जनसुनवाई के दौरान
उपखंड अधिकारी मनीष कुमार, तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, BCHMO रविंद्र कुमार, डॉक्टर गोरीलाल मीणा, विद्युत विभाग कनिष्ठ अभियंता शिव सिंह मीणा, हरिओम शर्मा व अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सरमथरा से शिवम दीवान, संवाददाता की रिपोर्ट। लुक्का गुर्जर गैंग का 10,000 का इनामी बदमाश अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, मनिया धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में एवं मनिया पुलिस उप अधीक्षक मनोज गुप्ता के निकटतम सुपरविजन में मुखबिर की सूचना पर सकतपुर गांव के चौराहे के पास से लुक्का गैंग के सक्रिय सदस्य नरेश गुर्जर उर्फ बादशाह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए बदमाश की तलाशी लेने पर उसकी जेब से अवैध हथियार 315 बोर पौना एवं 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार मुलजिम से उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में मनिया थाना प्रभारी लाखन सिंह के साथ सुरेश चंद, ASI प्रेम सिंह, हेड कांस्टेबल भगवान सिंह, आसाराम नरेंद्र, रामदास विजय प्रताप एवं संतोष कांस्टेबल शामिल रहे। विधानसभा के संभावित प्रत्याशी प्रशांत प्रिंस हुंडावाल ने धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में किया जनसंपर्क। धौलपुर की प्रमुख खबर। विधानसभा क्षेत्र के युवाओं में अपनी विशेष पहचान रखने वाले युवा नेता धौलपुर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी प्रशांत हुंडावाल ने विधानसभा क्षेत्र के दर्जन भर गाँव में अपने समर्थकों के साथ ग्रामीणों से जनसंपर्क व जनसंवाद किया। इस दौरान युवा नेता प्रशांत हुंडावाल का ग्रामीणों द्वारा माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के जिस गांव में जा रहा हूं, उस गांव में सभी वर्ग समुदाय का व्यापक समर्थन मिल रहा है। अगर विधानसभा क्षेत्र वासियों का आशीर्वाद मिला तो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के साथ जन जन तक उनके हक को पहुंचाने का काम करूंगा। मैं हमेशा से ही आमजन के साथ हर किसी के सुख दुख में साथ रहा हूँ, आगे भी ऐसे ही सेवक बनकर जनता की सेवा करूंगा। वहीं युवा साथियों में भी जोश दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि मैं लगातार धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ जनसंपर्क करके हर गांव की बुनियादी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में साफ पीने के पानी, पेयजल, टूटी सड़कें, विद्युत समस्या जैसी अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से मिलकर उन्हें दुरुस्त करवाने के लिए लगातार प्रयासरत रहूंगा, जब तक समस्या का हल ना हो जाए। प्रशांत प्रिंस हुंडावाल ने कहा कि अपने युवा जोश एवं विचारधारा से बड़े बुजुर्ग युवाओं महिलाओं से जनसंपर्क कर रहा हूं। मैं सदैव धौलपुर क्षेत्र की जनता के लिए तत्पर रहा हूं और आगे भी रहूंगा। कुशवा समाज ने दिया आर पार का अल्टीमेटम ज्ञापन, भरतपुर की प्रमुख खबर। आज कुशवा समाज के प्रतिनिधि मंडल ने वासुदेव प्रसाद कुशवा की अगुवाई में रेल और रोड रोको आंदोलन को लेकर भरतपुर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर अल्टीमेटम दिया है। ज्ञापन देने से पूर्व कुशवा समाज के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक भरतपुर के साथ समाज के विभिन्न मांगों को लेकर विस्तृत वार्ता हुई और इस दौरान अधिकारियों ने मांग पत्र को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस ज्ञापन में कुशवा समाज की मांगों को लेकर बताया कि कुशवा समाज के लिए वित्तीय प्रावधान के तहत लवकुश कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए और कुशवा काछी शाक्य सहित उसकी अति पिछड़ी उपजातियों के लिए 12% आरक्षण की घोषणा की जानी चाहिए। इस अवसर पर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं सह संयोजक वासुदेव कुशवा ने कहा कि यदि 2 अगस्त से पहले सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो 2 अगस्त को प्रदेश में रेल और रोड रोको महाअभियान किया जाएगा, जिसकी घोषणा
17 जून 2023 को धौलपुर के मनिया तहसील के गांव सुआ का बाग में आयोजित कुशवा महापंचायत में हो चुकी है, जिसमें लोक बंधु जिला कलेक्टर भरतपुर, मृदुल कच्छावा जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर, संभागीय आयुक्त कार्यालय में अखिलेश कुमार तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को अलग अलग ज्ञापन दिया गया है। इस अवसर पर कुशवा आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं सह संयोजक वासुदेव कुशवा, प्रदेश प्रवक्ता हेमलता कुशवा, लवकुश उत्थान फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कुशवा, विजय सिंह सरपंच, ओम प्रकाश कुशवा, मोहन सिंह कुशवा भरतपुर, होतम कुशवा सरपंच, बनवारी लाल आदि कुशवा समाज बंधु उपस्थित रहे। वीवीएन ब्यूरो के लिए भरतपुर से मीडिया प्रभारी डीके कुशवा एवं उत्तम सिंह कुशवा की रिपोर्ट। स्वीप कार्यक्रम के तहत आम मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजाखेड़ा के उपखंड अधिकारी देवी सिंह के निर्देशन में मतदाताओं के प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता हेतु प्रत्येक मतदान केंद्र पर स्वीप वैन के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उपखंड अधिकारी सिंह ने बताया कि 1 जुलाई से स्वीप वैन के माध्यम से मतदान केंद्रों पर पहुंचकर स्थानीय मतदाताओं को ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन के संचालन व प्रयोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को समझने एवं संचालन में आसानी होगी। राजाखेड़ा के समस्त 228 मतदान केंद्रों पर जाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे। इसके अलावा 5 स्थानों पर स्थायी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ईवीएम मशीन लगाकर मतदाताओं को प्रशिक्षण एवं जानकारी प्रदान की जा रही है। राजाखेड़ा में व्यापक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रभारी हेमंत पाराशर एवं सह प्रभारी स्वच्छता प्रमोद कुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी द्वारा अभियान का संचालन किया जा रहा है। इसको वोट देना होता है, चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाना पड़ता है। बटन दबाते समय अपन को एक ही बात का ध्यान रखना है, इसमें जो पर्ची आती है, प्रिंट आती है, इसमें अपन ने वोट दिया वही प्रिंट आना चाहिए। आप में से कोई आ जाओ चेक करवा दे, वोट दिला कर आओ। इतने सारे इसमें से किसको वोट दे रहे हो आप? हिसाब में बटन दबाओ सामने वाला, धीरे से ज्यादा दूर ना। अब इसको देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो। फायरिंग कर दहशत फैलाने के फरार आरोपी को अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार। कंचनपुर की प्रमुख खबर। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन में एवं पुलिस उप अधीक्षक विजय कुमार सिंह के निकटतम सुपरविजन में कंचनपुर थाना प्रभारी प्रोबेशनरी आरपीएस अंगद शर्मा ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सिकरौंदा में 2 जुलाई को फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपी मनोज कुशवाहा को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए मुलजिम कंचनपुर थाने के वांछित मनोज पुत्र किरोड़ीलाल कुशवाहा निवासी बीधापुरा थाना सैपो को दस्तयाब कर पूछताछ के उपरांत गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर एक रिवॉल्वर, 32 बोर एवं 6 खाली कारतूस बरामद हुए। आरोपी मनोज को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कंचनपुर थाना प्रभारी अंगद शर्मा के साथ उमाशंकर, एएसआई विश्वेंद्र एवं रामनिवास कांस्टेबल शामिल रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौन सरमथरा में प्रभात फेरी का हुआ आयोजन। सरमथरा की प्रमुख खबर। धौन सरमथरा के पीईओ बबलू मौलोनी ने बताया, मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2023-24 की अनुपालना में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 10 जुलाई 2023 से किया जा रहा है। ओलंपिक खेलों के आयोजन से पूर्व ग्राम पंचायत में प्रभात फेरी का आयोजन आज किया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों के समस्त ग्रामवासी, खिलाड़ी, जनसेवी एवं युवाओं को ओलंपिक खेलों के बारे में बताया गया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की अपील की गई। प्रभात फेरी में राज्य सरकार की तमाकू मुक्त विद्यालय की अवधारणा को साकार करने के लिए तमाकू धूम्रपान उत्पादों के सेवन से होने वाले रोग विकारों की भी जानकारी दी तथा इन पदार्थों का सेवन न करने की शपथ दिलाई, जिसमें व्याख्या था ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रभारी प्रीतम सिंह मीणा, श्री भगवान
मीणा, सियाराम, हरी सिंह, संजय, पीटीआई कृष्ण कुमार परमार, मंगल मीणा, ओम प्रकाश शर्मा, सरोजन गुर्जर, कृष्ण कुमार शर्मा एवं विद्यालय के विद्यार्थी, ग्रामवासी मौजूद रहे। बड़े बड़े वाला के ना, उनके नाम है, उनका आपका नाम भेजा हुआ है पहले से ही, तो आपको भी खेलना है। कई खेल हैं उसमें, कबड्डी है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, रस्सा कस्सी है। तो आपके मम्मी पापा भाई बहन सब के नाम है, तो घर पे जाके आप बता देना। अभी तो मिले नहीं है कहीं खेत में। स्वीप कार्यक्रम में मतदाताओं को मतदान एवं सूची में नाम जुड़वाने हेतु किया जागरूक, धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर के निर्देशन में जिले में ब्लॉकवार स्वीप गतिविधियों के माध्यम से व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मतदाताओं को सूची में नाम दर्ज करने, मतदाता सूची में उनके मौजूदा विवरणों को सही करने और स्थानांतरित और मृत परिवार के सदस्यों के नाम हटाने से संबंधित प्रक्रिया के बारे में जागरूक करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर द्वारा गठित जिला स्तरीय सोशल मीडिया प्रकोष्ठ सदस्य व्याख्याता भगवान सिंह मीना एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय द्वारा जिले में दिन भर जगह जगह मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। भगवान सिंह मीना ने बताया कि स्वीप गतिविधियों का उद्देश्य मतदाताओं को नैतिक मतदान के संबंध में उपलब्ध विभिन्न ऑनलाइन ऑफलाइन सुविधाओं जैसे कि वोट कैसे देना है, बालिका विद्यालय धौलपुर में प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा एवं स्टाफ सदस्य उपमा सहरमा, प्रियंका जिंदल, बबीता गर्ग, नीतू अग्रवाल, विजेंद्र सिंह, मंजू जादौन, ममता दीक्षित, मधु जैन व अन्य के सहयोग से स्वीप की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रमाकांत शर्मा, रणवीर सिंह रावत, नीरज शर्मा, अमरीश चौधरी, अजय सिंह चौधरी, राज्य अवार्डी उप प्राचार्य राजेश उपाध्याय, सुमित पाराशर, व्याख्याता सतीश कुमार मीणा, पीओ राजेंद्र प्रसाद शर्मा, अश्विनी शर्मा, सुभाष वर्मा, सौरभ सिंह, आकाश वर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर के निर्देशन में समस्त जिले में मोहिनी गर्ग बनी सीए, अग्रवाल समाज एवं परिवार का किया नाम रोशन, सरमथुरा की प्रमुख खबर। कस्बा निवासी पत्थर व्यवसायी गौरी शंकर गर्ग की पुत्री कुमारी मोहिनी गर्ग का सीए चार्टर अकाउंटेंट बनने पर परिजनों सहित आमजन में खुशी का माहौल है। सरमथुरा कस्बा में सबसे कम उम्र लगभग 23 साल में पूरे सरमथुरा उपखंड में पहली बार बाजी मारी है। साथ ही मोहिनी के चयन होने पर अग्रवाल समाज सहित अन्य कस्बा वासियों ने उन्हें बधाई दी है और ईश्वर से उज्जवल भविष्य की कामना की है। मोहिनी गर्ग ने बताया कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की और पढ़ाई को ही अपना लक्ष्य बनाया, जिसमें परिजनों का पूरा सहयोग मिला, जिसके दम पर मैंने ये मुकाम हासिल किया। मैं अपनी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय अपने परिवार को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे किसी भी परिस्थिति में घबराने की जगह उसका डटकर मुकाबला करने की प्रेरणा दी। मोहिनी की सफलता पर भव्य वसुंधरा न्यूज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई और ईश्वर से उज्जवल भविष्य की कामना। सरमथुरा से शिवम दीवान की रिपोर्ट। भगवान के स्मरण मात्र से ही होता है मनुष्य का उद्धार, श्रीमद भागवत कथा का हो रहा है आयोजन, बसेड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा के समीपवर्ती बाड़ी रोड स्थित नहर कोठी आश्रम पर 3 जुलाई से 10 जुलाई तक श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रीमद भागवत कथा के 5वें दिन आचार्य भरतलाल शास्त्री ने कहा कि मनुष्य जन्म के समय भगवान को स्मरण रखता है और संसार में मोह माया में फंस जाने के बाद भगवान प्राप्ति के लिए तमाम जतन करता रहता है, लेकिन वह अंतिम समय में भगवान को भूल जाता है। भगवान के नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। इसी के साथ शास्त्री जी ने सती चरित्र, अनुसुईया चरित्र एवं ध्रुव चरित्र की कथा का विस्तार से वर्णन किया, जिससे समस्त श्रोतागण भक्ति में भाव विभोर हो गए। कथा संचालन के दौरान समाज सेवियों ने माला एवं साफा पहनाकर शास्त्री जी का स्वागत किया तथा साथ ही नहर कोठी मंदिर के महंत शिवदास महाराज का भी माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता सत्येंद्र कौशिक, ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, राजेंद्र पाराशर, महंत हनुमान मंदिर सुरेश गर्ग, राघव पैलेस वाले मनोज शर्मा, पिदावली वाले गिरिराज प्रसाद शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। कथा का समापन के बाद 11 जुलाई को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बसेड़ी से
निशांत पारासर की रिपोर्ट। I'm not afraid of the dark.